वेलकम टू माई क्लास एनएल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है इस नंबर का, कौन से मेथड से, डिवन मेथड से। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, एक डिवन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस वीडियो में हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं डिवन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने सिखाया हुआ है, बहुत सारी वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। इस नंबर को सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, ग्रुपिंग कर लेनी है। आपने राइट साइड से ग्रुपिंग करनी है, टू डिजिट्स की है, टू डिजिट्स किए रह गया अकेला, इसको अकेले को सॉल्व करना है। ग्रुपिंग करना क्यों ज़रूरी है हमारे पास, वो इसलिए ज़रूरी है जब हम सिंपल डिवाइड करते हैं, एक नंबर इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइजर है नहीं है जिससे हमने डिवाइड कराना है, वो हमें खुद से लेना है। तो उसके लिए हमारे पास ग्रुपिंग करना ज़रूरी है, हमें पता चल जाए स्टार्ट में हमने वन डिजिट को सॉल्व करना है या टू डिजिट्स को। ये ग्रुपिंग हमने कर ली, हमें पता चल गया ओनली वन ही रह गया यहाँ पर, तो हमने अकेले वन को सॉल्व करना है, 18 को स्टार्ट में सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये तो ग्रुपिंग हुई हुई है, ये ग्रुप बना हुआ है, एक ये बना है, एक जो ये वन है वो अकेला है, इसको अकेले को सॉल्व करना है स्टार्ट में। जैसे यहाँ पर भी देखो ग्रुपिंग हुई हुई है, तो हमें पता चल गया हमने 98 को सॉल्व करना है, ग्रुप बना हुआ है, ओनली 9 को नहीं सॉल्व करना, ठीक है, इसलिए हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब रूल क्या होता है हमारे पास लेने का, यहाँ पर डिवाइस है, रूल ये होता है कि जो नंबर यहाँ पर लेना है वही यहाँ पर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 3 लूँ तो मुझे यहाँ पर भी 3 ही लेना है, अगर मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ यहाँ पर कुछ और तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 9 ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 9 ही लेना है। तो अगर हमारे पास 1 को सॉल्व करना है, तो अगर हम 2 लेते हैं तो हम यहाँ पर भी 2 लेना होगा, तो 2 टाइम्स तो 4 बड़ा आ जाएगा, 1 तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे 2 नहीं 1 पे आ जाते हैं, 1 ही यहाँ पर 1 ही यहाँ पर ले लेते हैं, तो 1 1 टाइम 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज रहने दें। अब आपने ओनली 8 को उतारना नहीं है नीचे, 84 पूरा ग्रुप बना हुआ है, तो आपने इस पूरे को उतार लेना है यहाँ पर नीचे, उतार लिया। अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, इसको इसी में ऐड करके यहाँ पर लिख देना है, तो 1 में 1 को ऐड करो, 2 आ जाता है, 2 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट लें जो यहाँ पर भी लें, मल्टीप्लाई करवाएं तो 84 से कि इक्वली 84 के से लेस देन आ जाए। तो 2 के साथ अगर हम जो है 3 ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पर भी 3 ही लेना है, तो 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास 69 आता है, अभी छोटा आ रहा है। अगर हम 2 के साथ 4 ले लें तो हमें यहाँ पर भी 4 ही लेना होगा, तो 24 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ जाता है, 96 बड़ा आ जाता है। इसका मतलब है हम ये तो लेंगे नहीं, क्योंकि 96 तो यहाँ पर लिख नहीं सकते हम, 84 छोटा है, तो हम 3 ही ले लेंगे यहाँ पर और 3 ही हम ले लेंगे यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 3 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ गया, 69 आ जाएगा। माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 9 माइनस होता नहीं है, बोरे ले लेंगे, 14 में से 9 को माइनस करें तो क्या आता है, 5 आ जाता है हमारे पास। और हमने क्या किया था, यहाँ से बोरो लिया था, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 6 को माइनस करो, 1 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, 9 ओनली को नहीं उतारना, आपको पता चल गया होगा जैसे यहाँ पर पेयर उतारा, इसी तरह यहाँ पर भी पेयर उतारना है नीचे, 96 ग्रुप उतारना है पूरा। अब क्या हो जाएगा, आपके पास आपने क्या किया था, यहाँ पर इसको इसी को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया था, लेकिन अब ये नहीं होना कि 23 में 23 को ही ऐड कर देना आपने, ठीक है। आपने जो है यहाँ पर ये करना है कि 23 का जो लास्ट डिजिट है ना, 23 का लास्ट डिजिट 3 है, तो जस्ट आपने 23 में 3 ऐड करना है, तो आपके पास आ जाना 26, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना, ठीक है। इस तरह होता है हमारे पास। जैसे अब आगे देखें यहाँ पर ये कि हमने क्या किया, इसको इसी में ऐड किया, 2 आगे 62 ले लिया था, तो यहाँ पर भी 2 लिया था, सॉल्व कर लिया। फिर आगे ये नहीं हमने किया, 22 में 22 का ऐड कर देना, 22 का लास्ट डिजिट 2 है, तो 22 में जस्ट 2 ऐड करना, 22 में 2 ऐड किया तो 24 आ गया, इस तरह समझ आ गया कैसे किया। अब 26 के साथ हम ऐसा कौन सा डिजिट लें जो यहाँ पर भी ले, मल्टीप्लाई करवाएं तो 1596 के इक्वल आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 26 के साथ जो है 4 ले लेते हैं, और फिर हमें यहाँ पर भी 4 ही लेना है, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है, ये तो भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब हम फिर 6 ले लेते हैं यहाँ पर भी और वहाँ पर भी 6 लेने से देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 26 के साथ 6 ले लो तो ऊपर भी 6 लेना होगा, तो 36 हो जाएगा, 39 आ जाएगा, 62 टाइम्स 12 13 14 और 15, ये 1596 हमारे पास आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। इसका मतलब है ठीक है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी हम 6 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करो 266 को 6 टाइम्स, तो हमारे पास 1596 आ रहा है, और माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखो, नंबर है हमारे पास 18496, उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया और आंसर क्या आ जाना है, जो क्वेश्चन में 136 है वो आ जाएगा हमारे पास।
समझ आ गया आपने करना क्या है कि सबसे पहले उस नंबर को यहाँ पर लिखो, ग्रुपिंग कर लो, राइट साइड से ग्रुप बना दिया टू टू डिजिट्स का, ये रह गया अकेला, इसको अकेले को सॉल्व करना है। स्टार्ट में वन ले लिया, यहाँ पर वन था ना तो वन ही यहाँ पर लेना होगा, वन वन टाइम वन आ जाएगा, सॉल्व करो तो ज़ीरो आता है। इसको ताले नीचे, इसको इसी में ऐड करके यहाँ पर टू लिख लिया हमने। इसके साथ कोई ऐसा ले लो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो इससे लेस देन आ जाए या इसके इक्वल, तो थ्री ले लिया। यहाँ पर भी थ्री 23 थ्री टाइम्स 69 आ गया, सॉल्व किया तो ये आ गया, ये उतारा नीचे। अब 23 का लास्ट डिजिट 3 है तो 23 में जस्ट आपने 3 ऐड करना, 26 आ जाएगा। उसके साथ कोई ऐसा डिजिट ले लो जो यहाँ पर भी लो मल्टीप्लाई करो तो इसके इक्वल आ जाए, तो हमने 6 ले लिया। यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। अब आपने आंसर कैसे लिखना है लास्ट पे, इसको लिख लो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर, और जो ये है हमारे पास क्वेश्चन में वो आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व करो। एक इसको सॉल्व कर लो 9801 को, अगर तो आपके पास आंसर 99 आ गया इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया। और एक नंबर ये ले लो 15625, अगर आंसर 125 आ गया तो फिर आपको ठीक है, आपने सही कर लिया। इसका आंसर 125 आना है और जो दूसरा मैंने दिया उसका आंसर 99 आना है। ट्राई करो, और नहीं फिर भी समझ आता तो 1 से 2 वीडियोस देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।